तो आज हम बनाने जा रहे हैं मांस की दाल का चैसू। उसके लिए लिए हमने काली वाली उड़द की दाल, छिलके वाली है, इसको हमने दरदर पीस लिया है और पीसने के बाद हमने इसको भिगा लिया है। कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है भिगने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देखते हैं कैसा बनता है मांस की दाल का चैसू। इसके लिए हमने लिए कुछ कलियां लहसुन की। लहसुन और हरी मिर्च को हम थोड़ा सा कूट के बारीक कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे हम अपने मसाले। मसालों में हम लेंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर रंग के लिए। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल से मसाले डालेंगे और लगाएंगे हींग का तड़का और साथ में इसमें हम लेंगे सरसों का ऑयल। तो और इसके साथ ही हम लेंगे एक लोहे की कढ़ाई जिसमें हम बनाएंगे अपनी दाल को। तो हमने लोहे की कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम करेंगे बनाना स्टार्ट। इसके लिए सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरसों का तेल और लोहे की कढ़ाई। ये बनेगा लोहे की कढ़ाई में धीरे धीरे हल्के आंच पे पकता रहेगा और पूरा इसका जो टेस्ट होगा बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। और जितने भी पहाड़ी में जो भी खाना बनता है वो सब सरसों के तेल में बनता है तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो हमने ले लिए कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल और सरसों के तेल को करेंगे गरम। ये हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अभी हमको हम करेंगे थोड़ा सा तेल गरम और उसके बाद लगाएंगे इसमें तड़का। तो ये गया हमारा जीरा और जीरे के बाद अब हम लेंगे थोड़ी सी हींग। हींग से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा, एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर ऐड करेगा हींग। और हींग के बाद हम अपना लेंगे कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने बस लहसुन और हरी मिर्च कूट के लिए क्योंकि इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। आप इसमें जिंजर भी डाल सकते हैं, आप अदरक लहसुन और हरी मिर्च तीनों का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं लेकिन मैंने इसमें बस लहसुन और हरी मिर्च यूज़ किया। हम इसको थोड़ा सा देर भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल। ज़्यादा देर इसे नहीं भूनना क्योंकि इसमें थोड़ा कड़वापन आएगा। तो अब हम इसमें अपनी भीगी हुई और पिसी हुई दाल डाल देंगे और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। 5 से 6 मिनट तक उसको थोड़ा सा भून लेंगे। दाल से अपनी एक खुशबू आने लगेगी भूनने की। तो उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसको फटाफट से हम भून लेते हैं। पांच मिनट तक हमने दाल को खूब चला चला के भून लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और मसाले ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट तक और भूनेंगे जिससे कि मसालों का जो पूरा फ्लेवर है वो दाल में आ जाएगा और मसाले अच्छे से भून के पक जाएंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसको हम जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उसके लिए हम उतना हम पानी ऐड करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की हल्की आंच पे। और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। आप चाहो तो इसमें ढक्कन भी लगा सकते हो। तो इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, हर 5-5 मिनट में देखते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। और इसको अच्छे से हम चला लेंगे और साइड पे जो लगा रहेगा दाल चिपकते रहेगी उसको भी निकाल लेंगे। जो साइड पे दाल चिपकती है इसका बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। तो हम इसको एक निकाल के दाल में मिक्स करते रहेंगे और नीचे भी अच्छे से घुमाएंगे। हमारे चैसू में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पे अगर ये बहुत ज़्यादा अगर पतला लगता है तो इसमें हम चावल के आटे को पानी में घोल के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे जिससे कि गाढ़ा हो जाएगा। और वरना आप गेहूं का आटा भी मिला सकते हो लेकिन गेहूं का आटा आपको भून के ही इसमें मिलाना है वरना उसका कच्चा टेस्ट आएगा। तो हमारी दाल काफ़ी गाढ़ी है इसलिए मैं इसमें चावल का आटा या कुछ नहीं मिलाऊंगी। तो हम इसे और थोड़ी देर पकाएंगे और इसके बाद गैस को बंद कर लेंगे और इसे निकाल के सर्व करेंगे और हमारी दाल एकदम रेडी है।